सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि तिलक भवन से प्रदर्शन करते कांग्रेसियों का जुलूस कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचा, जहां उन्होंने सोनिया गांधी जिंदाबाद के साथ साथ मोदी हाय हाय के नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने कहा, जिस तरह से पंचायत चुनाव में महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ और नामांकन पत्रों को फाड़ा गया, वही महंगाई आसमान छू रही है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो सिलेंडर 400 रुपए का था और अब सिलेंडर 1000 रुपए पहुंच चुका है। पेट्रोल 100 पार हो चुका है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि अगर सरकार दामों को कम नहीं करती है तो ये जुलूस और प्रदर्शन दिल्ली तक जाएगा। सरकार थी तो यह सिलेंडर 350 में मिलता था और मोदी जी ने उज्ज्वला योजना देकर क्या कहा था कि महिलाओं की आंखों से एक आंसू नहीं आएगा। महिलाएं अब उससे ज़्यादा रो रही हैं, क्योंकि आपने सिलेंडर तो दिए मगर आपके सिलेंडर आज हमारे घर में खाली पड़े हैं और हम चूल्हे में अपना खाना बनाना शुरू कर चुके हैं, पुरानी पद्धति में लौट रहे हैं। और 1 अगस्त से भी सुनने में आ रहा 1000 रुपये सिलेंडर हो जाएगा। तो एक एक महिला परेशान है महंगाई से, चाहे वो रसोई गैस हो, चाहे तेल हो, चाहे पेट्रोल, चाहे किसान डीजल को लेके परेशान हो, हर व्यक्ति परेशान है। 100 रुपए में आपने पेट्रोल कर दिया है तो आप अच्छे दिन यही लाने का आपने वादा किया था। आप तो माला माल हो और जनता बेहाल है, यही आज हम लोगों का कहना है। मैं ये अपने राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी के आह्वान पे, सोनिया गांधी के आह्वान पे आज हम लोग रायबरेली की सड़कों पर उतरे हैं। एक एक महिला घर से निकल के आई है, सोनिया जी के साथ है इस महंगाई की मार को, और ये पुकार रही है कि मोदी योगी जी या तो आप महंगाई कम करिए या तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपके घर में तो एक भी महिला है नहीं, आपके घर में बेटी नहीं, तो आप महिलाओं का दर्द क्या जाने कि रसोई गैस कैसे चलाई जाती, खाना कैसे, एक आदमी कैसे कमाई करके लाता है, छोटी सी कमाई में हम लोगों का घर चलाना मुश्किल है। तो आज तो रायबरेली की जनता धरना यहाँ तक पहुँची, DM द्वारा ज्ञापन देगी जिलाधिकारी को, राज्यपाल तक हमारा पहुँचे। हमारी ये मांग है कि रसोई गैस का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, महंगाई आप कम करिए, नहीं अपनी कुर्सी से इस्तीफा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, जो सोनिया जी की जनता, रायबरेली की जनता सड़कों पर उतरेगी, दिल्ली तक आपकी कुर्सी को हिला देगी। ये कांग्रेस पार्टी के लोग है, रायबरेली की जनता है जो क्षमता रखती है दिल्ली की कुर्सी को हिलाने को, और हम भी पक्ष में रह के आपने लोगों के कहीं केस लगाते हैं। आपने देखा सुमन यादव जी का पर्चा, एक महिला को जिस तरह से उसकी साड़ी खींची गई, जिस तरह उसके अत्याचार हो, मुझे बहुत तकलीफ है, उसका पर्चा नामांकन पत्र फाड़ दिया गया। यही आपकी जनता, महिला सुरक्षा की बात आप करते हैं, मैं उनसे मांग करती हूँ इस तरह से लोकतंत्र की हत्या आप करेंगे तो बहुत गलत होगा, ये जनता आपको भी हिला देगी। धन्यवाद जी। ये जुलूस किस लिए निकाला गया, क्या था पूरा? हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, आप सब लोग जानते हैं कि समय देश में महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम चरम सीमा पर हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे जनपदों में इस समय महंगाई बहुत बढ़ रही है। हमारे प्रांतीय आह्वान पर हमारे रायबरेली जनपद के कांग्रेस के लोग, चाहे हमारे पूर्व विधायक हो, हमारे पूर्व हमारे PCC सदस्य हो, हमारे फ्रंटल वाले हों, हमारे कांग्रेस के साथी हों, सब लोगों ने मिल करके इस महंगाई के खिलाफ और डीजल और पेट्रोल और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ ये पदयात्रा आज निकाली है। आप सब लोग देख रहे हैं कि लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम अब तक में हमारे समाज से 30 बार की बढ़ोतरी हो गई है। कभी 80 पैसे बढ़ता है, कभी 30 पैसे बढ़ता है, कभी 25 पैसे बढ़ता है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों से इसकी यारी है, दोस्ती है, अंबानी और अडानी जैसे लोगों से, और ये गरीब शोषित वंचित समाज से इसका कोई वास्ता नहीं है। हमारे सारे कांग्रेस के लोग आज अलग जगाने आए हैं कि आप डीजल और पेट्रोल और ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें पर लगाम लगाओ, वरना कांग्रेस के लोग आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वैसे 2022 आ रहा है, आप लोग देखेंगे कि भाजपा की सरकार जा रही है और हमारी कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कौन सा आंदोलन आते हैं? सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब और शोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भ्रष्टाचार कैसे है, अभी ये पुलिसिया तांडव कैसे होता है, आपने रायबरेली जनपद साथियों देखा होगा, जिस तरह ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, जिस तरह जिला पंचायतों के चुनाव हुए, यहाँ पूरा कलेक्ट्रेट में तमाम अधिकारी हैं, ये भी किसी किसान के बेटे होंगे, लेकिन ये किसान के बेटे हैं, लेकिन ये भाजपा की सरकार के का साथ दे रहे हैं, और जो हमारा जो एक लोकतंत्र कायम होना चाहिए उनको पर्चे भराने नहीं दे रहे हैं,
BDC को धमकाया गया, जिला पंचायत सदस्यों को धमकाया गया, लोकतंत्र की पूरी तरह से इस बात पर सरकार ने हत्या कर दिया है। हम सारे कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और जब तक ये हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तब तक हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।